है गाइस, व्हाट्सअप। जब बात आती है प्राइवेसी की तो हम उसमें कभी भी बच्चा गिरी नहीं करते, इजंट इट। और जब बात आती है हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सेफ रहने की, तो उसमें हमें काफ़ी काफ़ी पेशेंसली, काफ़ी फोकसली ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज जैसे एक छोटी सी मिस्टेक्स काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, और ये फैक्ट है। और आज के टाइम में जो पॉपुलर एक एप्लीकेशन है पेटीएम, राइट, तो ये कौन नहीं जानता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेटीएम में अपना मोबाइल नंबर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है, और ये जो टिप्स है ये आप 2019 में भी यूज़ कर सकते थे और 2020 में भी। बट 2019 में जो पेटीएम का जो एप्लीकेशन था उसका जो इंटरफेस था वो थोड़ा डिफरेंट था। बट अभी 2020 में इसका अपडेट करने के बाद जो पेटीएम का एप्लीकेशन है थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, तो कन्फ्यूज़न काफ़ी सारा होता है। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो है मैं एक बार बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि इस पेटीएम में आप इजीली अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। बिकॉज काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, इवन मेरे डैड को भी इस बारे में काफ़ी परेशानी हुई, देन उनको प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। बिकॉज पेटीएम अपडेट हो गया था तो उन्हें थोड़ा सा जो पोजिशन है वो नहीं मिल पा रहा था। सो लेट्स सी, और ये जो ट्रिक है, ये टिप्स है, ये 2020 में भी इजीली यूज़ होगा। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू चेंज पेटीएम मोबाइल नंबर। सबसे पहले आपको एक काम करना है, पेटीएम का जो एप्लीकेशन है उसको सिंपली अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो यूज़र फेस है वो कम्प्लीटली थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा। और देन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो लेफ्ट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेटीएम में अभी जो करंटली मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे शो करेगा और आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने जो नाम तो मेरा ही है, बट जो मोबाइल नंबर मैंने अपडेट किया है वो मेरे फ्रेंड का है, और उसका मोबाइल उसका जो सिम कार्ड है वो मैंने इस मोबाइल में डाला है, तो ताकि मैं इसका मोबाइल नंबर चेंज कर सकूँ। बिकॉज ओटीपी आता है, जब भी आप मोबाइल नंबर चेंज के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, तो इसलिए उस टाइम पे उस सिम कार्ड का आपके मोबाइल में होना या फिर आपके आसपास होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बिना ओटीपी के आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे जो नंबर है ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, और सिंपली मैं इसको चेंज करके मेरा जो नंबर है वो मैं यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। तो सिंपली जो नंबर है वहाँ पे आप देख लीजिए, लास्ट में है, स्टार्टिंग में है 86521, यह भी करंटली नंबर है। तो चेंज करने के लिए सिंपली तो यहाँ पे आपको जो नंबर है उस पर टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो ऐसा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लेके जाएगा। देन यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है अपडेट फोन नंबर, तो सिंपली यहाँ पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका नाम है, सेकंड नंबर पे ईमेल आईडी है, थर्ड नंबर पे आपका मोबाइल नंबर है जो अभी करंटली पेटीएम से लिंक्ड है। तो सिंपली जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर अपडेटेड है करंटली, इसको रिमूव करके जो नंबर को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो नंबर को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। तो जो नंबर है मेरा वो मैं भी यहाँ पे जा टाइप कर लेता हूँ। तो ये नंबर यहाँ पे मैंने कर लिया। सिंपली यहाँ पे जैसे पेस्ट करेंगे देन यहाँ पे सेव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रीवियसली आपने जो मोबाइल नंबर रखा था उस पर एक ओटीपी जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उस पर ओटीपी जाएगा। तो देखिए मुझे टॉप में ओटीपी आ गया पेटीएम की तरफ से, बिकॉज सिम कार्ड इसके अंदर ही है। तो जो ओटीपी है वो ये है 167558। तो यहाँ पे सिंपली मैं पेश कर देता 16 उसके बाद एंड है 7558। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंटली अभी लिंक्ड है पेटीएम से वो नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओटीपी जाएगा, देन कंफर्म। अब उसके बाद जो नंबर को आपने यहाँ पे चेंज करके रखने के लिए रिक्वेस्ट दिया है, जो नंबर पे आप अभी रखना चाहते हैं वो नंबर पे अभी आपका ओटीपी जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक बार रिसेंड कर देता हूँ। ओके, शायद मुझे ओटीपी नहीं आया। ओके यस, तो ये देखिए ये नंबर मुझे ओटीपी यहाँ पे आ गया है। बिकॉज इसमें ये मेरा दूसरा मोबाइल है एंड इसमें मैंने नंबर को वो सेव रखा जो मेरा परमानेंट नंबर है। तो यहाँ पे ओटीपी क्या है वो मैं जस्ट यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये जो अभी करंटली मैं जिस नंबर को यहाँ पे पेटीएम अपडेट करना चाहता हूँ उस पे ये मुझे ओटीपी आया है। तो जो ओटीपी है वो सिंपली पेस्ट करना है 8889505। तो ये किया और सिंपली इसको कंफर्म करना है।
तो ये मेरा मोबाइल नंबर सिंपली यहाँ पे चेंज हो चुका है, योर नंबर हैज़ बीन अपडेटेड टू दिस नंबर। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है और जैसे ही अपडेट हो जाएगा ये इंस्टेंट होता है, कोई ज़रा 24 या 48 आवर्स का टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वो सिंपली जो नंबर है प्रीवियसली वाला चेंज हो गया, अभी जो दूसरा नंबर है ये 89288। तो सिंपली मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे आपको प्रोफाइल ऑप्शन पे शो कर देता हूँ। तो जैसे मैं शो करूँगा यहाँ पे एक बार आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, तो सिंपली एक बार आपको लॉग आउट करना होगा। यहाँ पे मैं जस्ट एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देन उसके बाद एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद ये देखिए सिंपली यहाँ पे नंबर है, जो पहले वाला नंबर था वो स्टार्टिंग में 86521 था और अभी जो करेंटली नंबर है 89288। तो और इसके बाद जैसे अपडेट हो जाएगा देन पेटीएम की तरफ से आपको मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ये देखिए ये मैसेज है, ये पेटीएम अकाउंट लिंक टू दिस 4573 वॉज एडेड टू अनदर नंबर, ये एक मैसेज आएगा। देन उसके बाद पेटीएम की तरफ से आपको मेल भी आएगा। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरीके से आप इजीली अपने मोबाइल नंबर को इजीली अपने चेंज कर सकते हैं। और ये जो टिप्स ये 2019 में भी वर्क करता था और ये 2020 में भी इजीली वर्क करेगा, बट यहाँ पे ये 2020 में बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस सेम वही है, बस यहाँ पे जो यूज़र इंटरफेस है थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए काफ़ी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है मोबाइल नंबर को चेंज करने में। तो गाइस ये था, इस तरीके से आप इजीली अपने मोबाइल नंबर को पेटीएम में चेंज कर सकते हैं, देन न्यू नंबर को अपडेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।